जनपद मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लोकवाणी सभागार में व्यापार बंधुओं एवं व्यापार कल्याण बोर्ड की बैठक जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में व्यापारी बंधुओं ने मीनाक्षी चौक से शिव चौक, रुड़की रोड होली एजेंस रोड पर गड्ढों की समस्या एवं पानी की निकासी की समस्या तथा मीनाक्षी चौक से रुड़की रोड उपकेंद्र तक सड़क के किनारे आने वाले विद्युत खम्भों एवं ट्रांसफार्मरों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए निवेदन किया गया। इसी के साथ व्यापारी बंधुओं द्वारा कोरोना काल में व्यापारियों को हुए नुकसान के दृष्टिगत स्कूल फीस में छूट प्रदान किए जाने के लिए निवेदन किया गया। मुजफ्फरनगर से संवाददाता असलम राजा की रिपोर्ट। से संबंधित मीटिंग है और गवर्नमेंट से पास है, होनी तो चाहिए हर महीने, लेकिन क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्य का बोझ होने की वजह से हर महीने होनी संभव नहीं थी, लेकिन इन DM साहब ने अभी आए, इन्होंने पहली मीटिंग आज ली और इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि मीटिंग इससे पहले भी DM साहब लेके आए और अब फिर मीटिंग लेने जा रहे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, हमारी बात भी उन्होंने सुनी, जो शहर से संबंधित समस्याएं हैं उनको हमने उनके सामने रखा, नोट कराया, अब उन पर कितनी कार्रवाई होती है वो अगली मीटिंग में पता चलेगा। किस तरह की समस्याएं थी? शहर की जो समस्याएं हैं, सड़क की समस्या है तो सब नगरपालिका से ही संबंधित है, जितनी भी समस्या सारी नगरपालिका से संबंधित है। अतिक्रमण को लेके आपने अपनी बात नहीं, हमने अतिक्रमण ऐसा है, जो चेयरमैन ने ठेके छोड़ रखे हैं शहर के, वो टू व्हीलर के तो हैं झांसी की रानी पे, और फोर व्हीलर के हैं जहाँ पे ठेले लग रहे, यानी कि नगर पालिका के बिल्कुल ठीक सामने रात को ठेले खड़े हुए, सबको पता है, लेकिन मेरा कहना ये है अगर वहाँ फोर व्हीलर का ठेका तो फोर व्हीलर खड़े होने चाहिए, वहाँ टू व्हीलर का तो टू व्हीलर खड़े होने चाहिए, ये पार्किंग का नाजायज उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठेले वाला एक ही ठेले वाले चार चार सौ पन पन सौ रुपये रोज लेने लग रहे, गाड़ी वाला 500 नहीं देगा, रात को तो ख़त्म हो जाएगा वो 7-8 बजे के बाजार बंद करते ही ख़त्म है पार्किंग। तो मेरा कहना है कि आप लोग भी इन बात को उठावें ताकि लोगों को, आम जनता को चलने का रास्ता मिल सके।